तो गाइस यहाँ पे आ गई वाटर क्रॉसिंग, मैं चल रहे हैं घर। घर जाएगी कहाँ जाए, कहाँ जाएगी फिर? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग ऑफ अपग्रेडर। सो आज हम जा रहे हैं दोनों वैक्सीन लगवाने, और देखो क्या लग रहा है, डर लग रहा है क्या? लगा ये बेचारी बहुत ज़्यादा डर रही है आज, यार क्या होगा, सो बुखार आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी है पहली डोज, मेरी तो सेकेंड डोज है, बाकी देख रहा है बुखार आता है नहीं आता। यहाँ से अराउंड 30 से 35 मिनट का रास्ता है जहाँ पर मेरे को जाना है, उसके वजह से निकलते हैं। अराउंड टाइम हो रहा है 2:45 के आसपास यहाँ से निकलते हैं, और बाकी सीधा मोटो लॉक से मिलते हैं। आज हम जा रहे हैं बाइक से, तुम्हें गाड़ी से आना था क्या? तो आज यार बाइक से आने का बहुत मन था, बहुत दिनों से बाइक नहीं चलाई थी, अब बाइक से चलते हैं यार। हम दोनों ने बहुत दिन से राइड भी नहीं करी कोई, तो छोटी मोटी राइड करते हैं आज, मज़े करते हैं बाइक, थोड़ा बहुत घूम फिर के लिए। ये कारण है कि मेरठ एक्सप्रेस वे पे टोल अभी इस वजह से लग रहा है, क्योंकि ये रोड पूरी जो है खचाखच भरी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वहाँ पे यार टोल स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जनता सारी यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद ट्रैफिक यहाँ पर वैसे ही ट्रैफिक इतना लगता है, तो आगे और ज़बरदस्त तरीके से ट्रैफिक लग जाएगा। वहाँ पर 5.1 किलोमीटर दिखा रहा है 12 मिनट, और इस रोड पर यार वहाँ से मेरठ जाने में हमारे को लगता है 1 घंटे के आसपास पूरा, हाँ 1 घंटे के आसपास लगता है मेरठ, मतलब जहाँ पर मुझे डेस्टिनेशन जाने होता है। लेकिन अगर यहाँ से मैं कभी निकलता हूँ तो कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, तो यहाँ से कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है कि हम स्पेसिफिक टाइम पर पहुँचेंगे। अगर आप सुबह निकल जाओ 5-6 बजे तो आप उसे उतनी टाइम में पहुँचोगे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। अभी भी छोटी रोड पर है ना, बस के पीछे फंस जाने यानी कि बहुत मतलब गंदा सीन, पूरी आगे खाली रोड पड़ी हुई है, लेकिन उस बस वाले ना पूरी रोड ऐसी जाम कर रखी है, और ऊपर से मेरी बीवी मुझे गाली दे रही है, कह रही कि तुम जो फर्स्ट डोज लगवाने गए थे तो गए थे गाड़ी में एसी में, अब मुझे ले गए हो बाइक पे, कांट हियर एनीथिंग। तो ये कह रही है तुम मुझे बाइक पर क्यों ले गए इतनी भरी गर्मी में, कह रही मैं नहीं लगवा रही वैक्सीन। बाकी बसें डेस्टिनेशन आने वाली है मेरे हिसाब से अब तो। तो गए हम अपनी लोकेशन पे जहाँ पर हमको वैक्सीन लगवानी है, तो यार वैक्सीनेशन ड्राइव सेंटर पर पहुँच चुके हैं, और ये लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे मैं अफगानिस्तान से लेके आ सकती हूँ, देखना लग रही थी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की छोरी वैक्सीन से। अरे बेटा तुम शेर का पुत्र हो, तुम क्यों डर रहे हो? माना कि उत्तराखंड से, पर डर हमें भी लगता ही है, ठंड लगती है, डर लगता है। चलो यार बाकी लगवाते हैं। सो यार हम दोनों की वैक्सीनेशन हो चुकी कंप्लीट, कैसे लगा तुम्हारे को उस लड़की ने कैसी वैक्सीन लगाई? पता नहीं चला, पता भी चला। तो तू उस लड़की को क्या कहना चाहोगी? थैंक यू कहना चाहूँगी। हो गया हमारी वैक्सीनेशन कंप्लीट, मेरी तो दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी, बाकी आज इस लड़की का रात को होने वाला है बेहाल, बेचारी बेहोश होने वाली है कि किसी फर्स्ट डोज थी, और मैं आपको इसकी वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके हालात कैसे होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, वीडियो को देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए, बाकी मज़ा बहुत आने वाला है। मुझे घर से जाओगे यार, अपने आप तुम एसी गाड़ी में बैठ के घर गए थे, ठीक है? तो यार वो मैं था ना यार, तो मज़ा आने वाला है आज तुम्हें रात को, ना बस इंतज़ार करना उस पल का जिस पल तुम्हें आएगा 102 बुखार आएगा ही, तुम्हारी ठंड होगी। हाँ वैसे फिर सोच लियो कि तेरे वैक्सीन ही नहीं लगी। वैक्सीनेशन के बाद इस लड़की की तुरंत स्टार्ट हो गई पार्टी, यहाँ पे इसने खरीदी कोल्ड ड्रिंक, कैसा लग रहा है तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पी के? तुमने कोल्ड ड्रिंक अनबॉक्सिंग नहीं करके दिखाई यार सारे बंदों को। तो यार वैक्सीनेशन अभी कंप्लीट हुआ, इस लड़की के हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, सच्ची बात है, इस लड़की के हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, रात तक पता नहीं क्या होगा, और ये कह रही है कि शायद मुझे बुखार भी ना आए,
नहीं आएगा तो अच्छी बात है, समझ लेना वैक्सीन नकली थी। बाकी मेरी तो सेकंड डोज थी, देखो आता नहीं आता। बाकी सेकंड डोज वाले को लोग कम बता रहे हैं ना, आई नहीं रहा है। आई नहीं रहा यार, इसमें तो मज़ा नहीं आएगा, फिर आराम कैसे मिलेगा मेरे को। तो चल रहे हैं घर। घर जाएगी कहाँ से, कहाँ जाएगी फिर? तुमने बोला था भाई इससे बड़े पेड वैक्सीन नहीं लगवा लेते, देखो शूज दिलाने होते थे मेरे को। दिमाग है ना खराब ना कर मेरा। चल प्यूमा व्यूमा ना जा रहे, मेरी बाइक की चाबी तो दे। तो यार देखो कहाँ जाते हैं, लड़के पीछे पड़ के कह रही मेरे को प्यूमा के शूज़ दिखा के लेके आओ, इसको शूज़ लेने हैं। मैं नहीं दिलाऊंगा, अपने आप ही लेगी। सो यार हम दोनों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, अब हम जा रहे हैं प्यूमा, प्यूमा स्टोर जाना है ना। तो यार ये लड़की मानती तो है नहीं, अब मुझे लेके जा रही है प्यूमा स्टोर। तो बाकी यार देखो यार क्या होता है यार, घूमने फिरने निकले हैं, इसको घुमा फिरा के पहुंचा देते हैं। सो गाइस यहाँ पे आ गई वाटर क्रॉसिंग। ओ माय गॉड लद्दाख, अरे तू चुप रहना। बाइक आती घुस गई थी अंदर, मानती है नहीं मानती राइडर। पता है ऐसी जगह पे ना कभी भी भाई, कोई भी ऐसी जगह पे चला रहा हूँ, आगे का ब्रेक बिल्कुल मत यूज करना भाई। मेरे नाइकी के शूज बच गए। बाद में भी ना बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक रहता है। हाँ ये जो रोड है ना एक्चुअल में बहुत छोटी है, कंजेस्टेड है। तो और बीच एक तो शहर में अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे गाज़ियाबाद में ना। तो ये बाकी तुराब नगर की मार्केट की साइड आ गए हम। बाकी यहाँ पे भी बहुत तगड़ी मार्केट है गाज़ियाबाद की। गाइस यहाँ पे हमारे साथ कट गया बहुत तगड़ा लॉल, यहाँ पे प्यूमा स्टोर ही बनता है। लेकिन गूगल पे खुला हुआ दिखा रहा था ना यार, अपडेट करो यार, ऐसे तो लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। पता नहीं यार। तो फाइनली मेरे पैसे बच गए। शिप्रा मॉल चलो, पैसे बच गए भाई, पैसे बच गए, खुशी है भाई। गाइस हम लोग प्यूमा तो गए थे लेकिन प्यूमा बंद मिला को, बाकी अब बस यहाँ पे रुके हैं जूस पीने के लिए। दो लड़के और रखे कह रहे भैया जूस पिला दो, हम लोगों ने पीते जूस। वो दोनों जो जूस वाले बच्चे थे वो तुरंत जूस लेके गायब। चला कोई बात नहीं। बाकी बाइक क्या बहुत ही सेक्सी लग रही है यार। अब बस सीधा चलेंगे घर के लिए, क्योंकि बहुत हो गया बाहर तफरी। तो अब बस सीधा घर चलना, बस अब मत बोलना कहीं भी रुकने के लिए। सर ये वाला सामने वाला पुल बना है ना पूरा, तब से हम गाज़ियाबाद वालों को नोएडा वाडे जाने में काफ़ी इजी हो गया है। बस पुल के नीचे से यू टर्न मारो और ऊपर चढ़ जाओ। बाकी सही रास्ता हो यार, ऊपर तो रोड एकदम झकास है ही। यहाँ से बिल्कुल खाली रास्ता मिलता है हमको अपने घर तक का। बाकी बस अब 10 से 15 मिनट लगेंगे और हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये हाईवे बहुत ही सही लगता है मेरे को, तो बहुत सही बना हुआ है ये। ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत कम ही रहता है, तो बाइक चलाने में बहुत सही मज़ा आता है। क्योंकि बाइकिंग का मज़ा तभी यार ट्रैफिक कम हो और ऊपर से रोड स्मूथ हो। बाकी दिन के टाइम पे यार अभी भी हल्की हल्की गर्मी रहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं रही पहले की तरह, तो काफ़ी सही हो गया सीन। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गौर सिटी अपने घर के पास। तो बाकी बस इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे कोई नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।